हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स आवर यू ऑल आई होप ऑल आर फाइन देखिए सिंस टुडे, इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर वन दैट इज हॉस्पिटल कैंटीन ओके आपका अल्टरनेट में क्लासेस चलेंगे आप इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट करेंगे हम लोग इंग्लिश टेक्स्ट बुक भी और साथ ही साथ साइंस भी क्लियर है तो टुडे इज ट्यूजडे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर वन दैट इज हॉस्पिटल कैंटीन ठीक है बच्चों आई होप कि सभी बच्चों को साफ दिखाई दे रहा होगा हॉस्पिटल कैंटीन ओके सो एज द नेम एज दैप एज द नेम ऑफ द चैप्टर सजेस्ट हॉस्पिटल कैंटीन मतलब ये कहीं ना कहीं जाहिर है कि हॉस्पिटल में जो कैंटीन होता है उसके इन्वायरमेंट uh, को यहाँ पे शो कर रहा है इट्स शोइंग द इन्वायरमेंट ऑफ़ द हॉस्पिटल कैंटीन इज इट नाउ बिफोर यू रीड यू मस्ट नोटिस दैट वॉट डू यू नोटिस वेन यू गो टू अस्पिटल आप अस्पताल जाते हैं तो आप किन किन चीज़ों को नोटिस करते हैं ठीक है so, सो यहाँ देखेंगे बच्चों आई एम इन द हॉस्पिटल कैंटीन वेयर ऑल ऑफ लाइफ कैन बी सीन आई लुक एट पीपल अराउंड मी विथ कप्स ऑफ कॉफीज और टी अ कपल ऑफ इज शेयरिंग अ लाफ आर द विजिटर्स और स्टाफ अ मैन सिट्स Staring into space, red eyes on a tired, drawn face. Uh, is for someone that he cares for? No longer with us anymore. Someone close to death or dead or worse. Terminally ill instead. Maybe he's visiting a survivor or a new mum on the top floor. A lot of staff use the facilities, doctors, nurses, or ancillaries. Is this a fresh day beginning? Or a long night shift ending? There's an outpatient? I can see. Could be for x ray, CIO, uh, or two security men both partake. ड्रिंकिंग कॉफी एंड ईटिंग केक अंग पैरामेडिक कॉफी एंड इज गई ग्रुप ऑफ मैन हु बिल्ड सो वाई एम आई सिटिंगयर ऑब्जर्विंग इट्स वॉट आई डू वेन आई एम नॉट सर्विंग सबसे पहली बात की ये आपका बड़ा अच्छा दृश्य है एक हॉस्पिटल कैंटीन का कह रहा है कि स्पीकर कहता है कि आई एम इन हॉस्पिटल कैंटीन मैं हॉस्पिटल के कैंटीन में हूँ जहाँ पे सभी लोग सभी लोग की अपनी अपनी ज़िंदगी देखी जा सकती है मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ जो कि हाथ में कॉफ़ी का प्याला लिए हुए या फिर चाय का वो लोग शेयर करते हैं ठीक है साथ ही साथ वो टेबल पे बैठ करके क्या करते हैं वो लाफ करते हैं दे आर लाफिंग है ना वो हंसी मजाक करते हैं क्या वो विज़िटर हैं या फिर वो स्टाफ हैं या इनका ये सोच में पड़े हुए हैं स्पीकर साहब कि जो लोग वहाँ पे बैठ कर के कर रहे हैं चाय पी रहे हैं या फिर कॉफ़ी कर रहे हैं कॉफ़ी ले रहे हैं तो ऐसे में क्या प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि मानो वो विज़िट करने आया हूँ जो पेशेंट्स हैं उनको विज़िट करने आया हूँ या फिर हो सकता है कि स्टाफ हों A man sits staring into space, red eyes on a tired, drawn face, is for someone that he cares for. No longer with us anymore, है ना कह रहा है कि एक आदमी जो है आ, जो स्पेस है वहाँ पे बैठा हुआ है उसकी आंखें काफी लाल हैं और ऐसा लगता है कि वो काफी थका हारा है और ऐसा लगता है कि उसका जो है कोई आ, जो है उस चाहने वाला उसका साथ छोड़ के चला गया है ठीक है और कुछ ऐसे प्रतीत हो होते हैं जैसे मानो कि वो बिल्कुल जो है डेथ के करीब हो या फिर कोई मर गया हो या फिर उससे भी दर्दनाक ठीक है टर्मिनली देखिए टर्मिनली का मतलब होता है आ, ऐसी बीमारी ठीक है ऐसी बीमारी जो कि जान जान लेने वाली हो जिसको हम जानलेवा बीमारी कहते हैं ठीक है डिसीज़ दैट वुड लीड टू डेथ इज इट क्लियर तो मे बी ही इज विजिटिंग अ सर्वाइवर और अ न्यू मम ऑन द टॉप फ्लोर या फिर हो सकता है कि वो आ, किसी सर्वाइवर को विजिट करने आया हो या फिर जो है अभी अभी किसी पेशेंट की भर्ती हुई हो तो उससे मिलने आया हो ठीक है लॉट ऑफ स्टाफ यूज द फैसिलिटीज ठीक है बहुत सारे स्टाफ क्या करते हैं uh, उस सुविधा का लाभ उठाते हैं डॉक्टर्स नर्सेस एंसिलियरीज ठीक है एंसिलियरीज का मतलब होता है कि जो इमरजेंसी के लिए जो डॉक्टर्स या नर्सेस या फिर कोई स्टाफ जो है इमरजेंसी के लिए यूज़ uh, किए जाते हैं ठीक है उनको एनसिलरीज कहते हैं मींस प्रोवाइडिंग नेसेसरी सपोर्ट टू अ मेन एक्टिविटी है ना मेन एक्टिविटीज़ को जो Uh, जो सपोर्ट uh, होना चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं ठीक है इज दिस अ फ्रेश डे बिगनिंग और अ लॉन्ग नाइट शिफ्ट एंडिंग अब स्पीकर जो है असमंजस में पड़े हैं स्पीकर इज़ इन डेलमा दैट ये दिन की शुरुआत है या फिर जो है नाइट शिफ्ट की ये एंडिंग है क्या है ये ठीक है तो इस ताक में वो इन सब चीज़ों को वो देख रहे हैं देर इज एन आउट पेशेंट आई कैन सी कूड बी फॉर एक्सरे फिजियो और टू सिक्योरिटी मैन बोथ पार्टेक हाँ क्या करें कि भई एक out out पेशेंट के पेशेंट के अलावा मैं देख सकता हूँ कुछ बज, कुछ लोग जो हैं एक्सरे के लिए खड़े हैं फिजियो के लिए खड़े हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दो सिक्योरिटी मैन हैं जो सुरक्षा बल है सुरक्षा आदमी हैं वो बहुत पार्टेक करते हैं पार्टेक ड्रिंकिंग कॉफी एंड ईटिंग केक है ना वो पेस्ट्री खा रहे हैं केक खा रहे हैं और साथ ही साथ जो है कॉफी पी रहे हैं ठीक है और वो काफ़ी देर से जो है वो एक दूसरे से ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं यंग पैरामेडिक वांडर्स इन अ कॉफ़ी एंड इज गोन अगेन टेबल्स क्लियर अब क्या कह रहा है कि पैरामेडिक मीन्स क्या होता है देखिए ऐसे पर्सन जो कि इमरजेंसी में ट्रेंड किए जाते हैं ठीक है इमरजेंसी में फर्स्ट एड देने के लिए वो ट्रेंड किए जाते हैं ताकि उनको हॉस्पिटलाइज करने से पहले उनकी अवस्था को कुछ हद तक ठीक किया जाए ठीक है इसको हम अंग्रेजी में अगर कहेंगे इंग्लिश भाषा में तो अ पर्सन ट्रेंड टू तो गिव इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट टू तो पेशेंट्स बिफोर दे आर टेकन टू हॉस्पिटल इज इट क्लियर चलिए तो ये रहा तो ये पैरामेडिक इसको बोलते हैं ये एक, एक यंग पैरामेडिक वर्स इन अंदर आता है कॉफ़ी लेता है और उसके बाद जो है और टेबल क्लियर करने के लिए वो चला जाता है और साथ ही साथ फिर क्या होता है जैसे ही टेबल क्लियर होता है फिर से ग्रुप ऑफ मेन जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं ठीक है ठीके? सो अब ये स्पीकर के दिमाग में सवाल आता है कि वाई एम आई सिटिंग हीयर ऑब्जर्विंग इट्स वॉट आई डू वेन आई एम नॉट सर्विंग ये तब हो रहा है जबकि मैं कुछ सर्व वर्व नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मौजूद हूँ फिर भी जो है कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि तो ये इनकी कल्पना है कल्पना कर रहे हैं इमेजिन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो सबसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रीड करने के बाद आपको क्या मिला इसको पढ़ने के बाद हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पीपुल इन द हॉस्पिटल कैंटीन क्वेश्चन अराइजेज हियर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई जो हॉस्पिटल कैंटीन में जो पीपुल हैं उनको किस तरह से पोएट डिस्क्राइब करता है ठीक है इसका वर्णन किस प्रकार करता है ठीक है बच्चों तो आप इसको वंस अगेन आप रिव्यू करके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आफ्टर दैट वाट एवर यू योर डाउट्स एंड क्वेरीज़ आर यू मस्ट क्लियर इट ओके आप कमेंट किया करिए और या फिर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं ठीक है हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे चलिए हम ग्लोजरी की बात कर लेते हैं पार्टेक मीन्स क्या होता है पार्टेक मीन्स होता है कोई भी चीज़ किसी दूसरे के साथ लंबे समय तक शेयर करना ठीक है शेयर करना जिसको हम कहते हैं एक दूसरे से बांट के खाना चलिए पैरामेडिक मीन्स देखते हैं अ पर्सन ट्रेंड टू गिव एमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट टू पेशेंट्स बिफोर दे आर टेकन टू हॉस्पिटल्स ठीक है तो ये रहा आपका आज चैप्टर वन जो कि क्लियर हो गया इसमें हम देखेंगे कल इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास वेन एवर द टेक्स्ट बुक विलकम ठीक है उसमें हम क्वेश्चन और आंसर्स को करेंगे ठीक है बच्चों आई होप कि सब कुछ ये समझ में आ गया होगा आप लोग को जहाँ पे कोई भी क्वेरीज होगी डाउट्स होगा आप जो है योर डाउट्स एंड क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास ओके क्लास सिक्स थैंक यू दैट्स ऑल